लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तेज हवाओं के साथ रिकॉर्ड बारिश पांडुरना, लगातार पांचवें दिन बारिश से पिछले वर्ष को रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार देर रात को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से क्षेत्र में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। पिछले वर्ष 1939 जून तक जहां पांडुरना में 236.5 मिमी बारिश हुई थी, वहीं शुक्रवार रात को 43.1 मिमी वर्षा ने इसे पीछे छोड़ते हुए 256.3 मिमी रिकॉर्ड बनाया है। तहसील विभाग से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में रोजाना बारिश हो रही है, अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश के अच्छे प्रतिसाद के फलस्वरूप किसानों ने बोवनी लगभग पूरी कर दी है। खेतों में बारिश के पानी के कारण अच्छा असर बना हुआ है। इस वर्ष उत्पादन अच्छा होने से किसानों को अच्छे दिन आने की उम्मीद है। तेज हवा से घिरा थाना परिसर का पेड़, शुक्रवार की रात हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण पुलिस थाना परिसर का पेड़ गिर गया, जिससे पेड़ के समीप खड़े बिजली के खंभे और तारों को नुकसान पहुंचा है। रात को अचानक हुई घटना के कारण पुलिस थाना में अफरातफरी मच गई थी। पुलिस ने बिजली विभाग को सूचना देकर लाइन बंद कराई और इसके बाद टूटी तारों को बिजली लाइन से अलग किया गया। पुलिस ने पेड़ को सुबह काटकर लाइन ठीक करवाई। दिक्कतें लोधी खेड़ा क्षेत्र में जोरदार बारिश आने से ब्राह्मण पिपला मार्ग पर पुलिया का निर्माण पूरी तरह से नहीं किया गया है, जिससे गत दिनों हुई बारिश से पुलिया पुन बह गई है। पुलिया को सुधारने के लिए पुलिया पर बड़े बड़े पत्थर लगाकर फिर से मार्ग शुरू कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर बारिश से पुलिया का वही हाल हो गए हैं। यदि समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया तो NSUI रेमंड चौक पर आंदोलन करने चेतावनी दी। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण परेशान होने लगे हैं। विभाग द्वारा अंडरपास में प्रकाश व्यवस्था एवं समस्या का निराकरण कराने प्रशासन से कार्यवाही की मांग रखी।